तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जियो अपना नेटवर्क फिक्स करने के लिए हमेशा अपने एपीएन सेटिंग को टाइम टाइम चेंज करता रहता है, और आप तो नहीं करते होंगे। इससे आपको मैक्सिमम जियो इंटरनेट स्पीड जो है नहीं मिल पाता है। बट आज जो सेटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एपीएन सेटिंग, और लेटेस्ट होगा इस महीने का। आप इस सेटिंग को एक बार जरूर से ट्राई करके देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आपका जियो इंटरनेट का स्पीड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एपीएन सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस एपीएन सेटिंग के अंदर मैंने एक चीज दिखाया लास्ट में, जो आपको सिर्फ दो ही चीज सिलेक्ट करना है। अगर आप उससे ज्यादा या फिर कम करते हैं तो आपका पूरा एपीएन सेटिंग जो है गड़बड़ा सकता है और आपको इससे स्पीड नहीं मिलेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेम टू सेम मैंने जो 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 चीज किया है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग ऑप्शन पे चले जाए। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जियो 4G जो सिम रहेगा यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। आप जियो 4G पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम यानी एपीएन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 नंबर पे, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे न्यू एपीएन करके एक ऑप्शन आ रहा है, प्लस का आइकॉन बना हुआ है, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे सामने एक न्यू एपीएन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट में जो रहेगा वो है नेम। नेम पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे नेम पे आप सिंपली जियो का जे जो है कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद जियो लिख दीजिए। जियो यहाँ पे 9:9:9:9 यही वाला सेम टू सेम आपको नेम देना होगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है एपीएन। एपीएन पे आप सिंपली कह दीजिए यहाँ पे जियो नेट करके दे दीजिए। यहाँ पे एक साथ ऐसे ही लिखना होगा सेम टू सेम। उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है प्रॉक्सी, उसको आप नॉट से रहने दीजिए। उसके बाद पोर्ट, उसको भी नॉट से रहने दीजिए। उसके बाद आपका आता है यूजर नेम। यूजर नेम पे आप सिंपली यहाँ पे जियो सॉरी यहाँ पे जियो 4G करके लिख दीजिए एक साथ, ठीक है। उसके बाद ओके। उसके बाद पासवर्ड नॉट सेट। उसके बाद आपका आता है सर्वर। सर्वर पे आप सिंपली यहाँ पे www.google कैपिटल में होना चाहिए gwgle.com दे दीजिए। उसके बाद ओके हो गया, आपका सर्वर हो गया। उसके बाद आपका आता है MMSC कोड, उसको आप नॉट सेट दे दीजिए। MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC एंड MMC आपका एरिया कोड है, इसको छेड़खानी बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप नॉट सेट, APN टाइप नॉट सेट। उसके बाद आपका आता है APN प्रोटोकॉल, उसको आप सिंपली IPv4/IPv6 कर दीजिए। आपके मोबाइल में IPv4 या फिर IPv6 हो सकता है, उसको आप चेंज करके IPv4/IPv6 कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, उसको भी आप सिंपली IPv4/IPv6 कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट BRR, यहाँ पे देखिए अनस्पेसिफाइड रहता है। मैंने आपको कहा था पहले आपको दो चीज सिलेक्ट करना होगा और BRR है, यहाँ पे अनस्पेसिफाइड पे अनटिक कर दीजिए और यहाँ पे LTE एंड GPRS पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए तो आपका BRR जो है सेट हो चुका होगा। उसके बाद MVNO टाइप, उसको आप नाम रहने दीजिए। उसके बाद APN PPP फोन नंबर, उसको भी नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, इसके बाद आपको सिंपली मोर ऑप्शन पे जाना होगा, इस APN को सेव कर देना होगा। सेव कर देने के बाद आपको यहाँ पे दो APN दिखेगा, एक तो होगा आपका डिफॉल्ट वाला, अब दूसरा होगा ए वाला, मतलब कि 9:9:9:9। इस पर आप सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए, आपका APN सेट हो चुका होगा। APN सेट होने जाने के बाद आप सिंपली अपना नेट स्पीड जो है चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। भाई आपने एक लाइक कर ही दो, क्योंकि वीडियो 100% वर्किंग है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि आप कितने साल से जियो सिम जो यूज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेक्नोमाइंड उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही घंटी वाले आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।